हेलो दोस्तों, मैं सोनिया और आज मैं आपको बताऊंगी भाव खाने वाली लड़की को नजदीक लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो से आप देखते हैं, तो अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो और वो लड़की आपके कॉलेज में हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन वो उतना आपको रिस्पॉन्स नहीं देती है, बात बात पर भाव खाती है, आपको कभी कभी इग्नोर करती है, माना कि उस टाइम पे फीलिंग्स हर्ट होती है, बुरा लगता है, मन में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं कि यार हमें इग्नोर क्यों करती है, पता नहीं क्यों भाव खाती है, इतनी नखरे मुझे ही क्यों दिखाती है, ऐसी बातें चलती हैं। तो आज के वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए जिससे लड़की आपके सामने भाव खाना बंद कर दे। तो वीडियो को एंड तक देखो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो आप रिएक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि किसी कोई इंसान अगर आपको भाव आपके सामने भाव खा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज पता है कि अगर मैं भाव खाऊंगी तो ये इंसान, इसको बुरा लगेगा, इसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, और इस वजह से लोग अक्सर जानबूझ के ये चीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों का ये नेचर है कि जहां उन्हें पता चल जाए ना कि ये चीज करने से उसको बुरा लगेगा, उसको दुख होगा, तो वो लोग वही करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हर कोई जो चाहता है ना कि उस इंसान का जो रिमोट है वो मेरे हाथ में हो, जैसा मैं चाहूँ वो वैसा काम करें, ठीक है, जैसा मैं चाहूँ वो वैसा रिएक्ट करें। तो इसलिए लड़की भी आपके साथ वैसा ही करती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो आपके सामने भाव खाएगी, चाहे वो कॉलेज की लड़की हो, कहीं की भी हो, ठीक है, भाव खाएगी, नखरे दिखाएगी, तो आप रिएक्ट करोगे, आप हाथ पैर चलाओगे कि वो भाव खाना बंद कर दे, आप उसको ज्यादा अटेंशन दोगे, आप उसकी ज्यादा केयर करोगे, तो इससे उसके नखरे, उसके भाव और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जो है उसके सामने रिएक्ट करना बंद कर दें। जब रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो उसको उसके दिमाग में ये रहेगा कि जब इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा तो करने का क्या फायदा। इसके अलावा दूसरा काम कि आप जो है ना लड़की के अलावा कहीं और ध्यान लगाएं, जैसे करियर पे फोकस करते हैं, कर सकते हैं, जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब पर ध्यान दें ताकि आप लाइफ में और भी आगे बढ़ें, क्योंकि मोस्टली लड़कियों के लिए प्यार से ज्यादा पैसों की वैल्यू है। इसलिए नहीं कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं, बल्कि इसलिए वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहती हैं। जैसे कि अगर एक ऐसा लड़का है जो अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब करता है और उसे एक अनपढ़ लड़की से शादी करने के लिए बोल दिया जाए तो इनके वो मना नहीं करेगा, कर लेगा। लेकिन वहीं अगर एक ऐसी लड़की है जो अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब करती है लेकिन लड़का सिर्फ मतलब कोई काम धंधा नहीं करता और उसको ये बोला कि ये तुम पे डिपेंड होगा, तो हालांकि लड़कियां जो है ना मना कर देंगी, क्योंकि मोस्टली लड़कियां दिल नहीं, प्यार नहीं, पैसा देखती हैं, ठीक है, मनी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज फैक्ट है, आज के टाइम पे मनी की इम्पोर्टेंट एक इंसान से ज्यादा है, और इसलिए जो है ना आप अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो। अगर लड़की भाव खाने वाली है या कोई भी लड़की है तो वो आपके इस चीज की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे आप जब अपनी वैल्यू उसके सामने बढ़ा दोगे तो उसकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी, उसका एटीट्यूड, उसका ईगो, उसके नखरे आपके लिए अपने आप ही कम हो जाएंगे, ये चीज कर सकते हो। इसके अलावा अगला काम है कि खुश रहें। दोस्तों देखो, अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं वो हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो नफरत करने वाला इंसान ही हो, वो भी कहीं ना कहीं उसको देखकर जलता रहता है, उसको उस पर नोटिस या उस पर नजर रखते हैं। तो जब आप खुश रहने लगोगे, खुद पर एक तरह से खुद की लाइफ को एंजॉय करोगे, तो भी जो भाव खाने वाली लड़की कहीं ना कहीं आपको नोटिस करना स्टार्ट करने लगेगी। तो ये काम कर सकते हो जिससे भाव खाने वाली लड़की आपके नजदीक आना चाहे। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।